सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। आज के हमारे कार्यक्रम का टॉपिक है इंडियन स्टार टॉर्टॉइज। यह टॉपिक यूपीएससी परीक्षा के लिए पर्यावरण और जैव विविधता से जुड़ा है। इस टॉपिक पर डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो काफी डिमांड में है, बिकॉज इसमें मिलता है आपको पर्सनल कोच, मुख्य परीक्षा की तैयारी भी इसमें आपको करवाई जाएगी, इसके साथ ही स्टडी प्लानिंग में भी आपकी मदद करेगा, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। यहां पर सारे के सारे बेनिफिट्स जो प्लस सब्सक्रिप्शन में हैं वो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी मिलेंगे, साथ ही आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। देख सकते हैं दोनों में आप डिफरेंस, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर क्वालिटी और पर्सनल कोच आपको मिल रहा है। 25 जनवरी को इसकी प्राइजेज हैं वो बढ़ जाएंगी, लेकिन अपने को प्राइजेज बढ़ने से पहले इस कोर्स को सब्सक्राइब करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। साथ ही अगर आप अनअकैडमी पर और कोई कोर्स बाय करना चाहते हैं तो यूज करें हमारा कोड CAEYT10 और पाए 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक इंडियन स्टार टॉर्टॉइज। देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में आंध्र प्रदेश से ओडिशा को तस्करी किए जा रहे इंडियन स्टार टॉर्टॉइज को जब्त किया गया है। प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। आवास। इंडियन स्टार टॉर्टॉइज भारतीय उपमहाद्वीप में, विशेष रूप से भारत के मध्य और दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है। इसके अलावा यह पश्चिमी पाकिस्तान और श्रीलंका में भी पाया जाता है। संरक्षण की स्थिति। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में शामिल है। अनुसूची 4, इस सूची में उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जो लुप्त प्राय नहीं है। इसमें संरक्षित प्रजातियों को शामिल किया जाता है, लेकिन किसी भी उल्लंघन के मामले में दंड का प्रावधान अनुसूची 1 और अनुसूची 2 की तुलना में कम है। IUCN स्थिति क्या है? सुभेद। खतरा। प्रजातियों को दो प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है। पहला, कृषि के कारण आवास का नष्ट होना, और दूसरा, पालतू पशुओं के व्यापार हेतु उन्हें अवैध रूप से पकड़ना। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार इंडियन स्टार टॉर्टॉइज का 90% व्यापार अंतरराष्ट्रीय पालतू जानवरों के बाजार यानी कि इंटरनेशनल पेट मार्केट के माध्यम से किया जाता है। यदि इंडियन स्टार टॉर्टॉइज की तस्करी इसी गति से जारी रही तो वर्ष 2025 तक इनकी संख्या में 30% से अधिक की गिरावट देखी जा सकती है। संरक्षण के लिए किए गए प्रयास पर एक नजर डालते हैं। हाल ही में भारत के परिशिष्ट 2 से परिशिष्ट 1 में इंडियन स्टार टॉर्टॉइज के संरक्षण की स्थिति को उन्नत करने के प्रस्ताव को वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार साइट्स द्वारा अनुमोदित किया गया था। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।